हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सभी के सामने एक कैबिनेट रखा हुआ है, जो कि एक होम थिएटर कैबिनेट है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर किस तरीके से कलर किया जाता है, आज की वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ आपको। तो और डेको पेंट करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, किस तरीके से डेको पेंट किया जाता है, वो भी विदाउट स्प्रे करके दिखाऊंगा आप सभी को, वो भी फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप भी डेको पेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, ताकि आपको फुल नॉलेज मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, डेको पेंट करने से पहले हमें जो कैबिनेट है, मैं इसके पास ले जाता हूँ आप सभी को। ये देख सकते हैं, ये कैबिनेट है, इसको अच्छी तरीके से रब कर लेनी है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो ये दरारें दिख रही होंगी आपको कैबिनेट के अंदर इस तरीके से, तो इसको हम सबसे पहले पुट्टी से फिल करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पुट्टी से ये सारी दरारें जो है वो फिल करनी पड़ेंगी। ये देख सकते हैं, ये जो मोटी मोटी दरारें देख रहे हैं, ये अलग से पार्ट रखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ज़्यादा मोटी दरार है, तो ये पुट्टी से फिल होगी सारी, तो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। इसको सबसे पहले हम पुट्टी से फिल करेंगे, देन उसके बाद इसको इसके ऊपर दोबारा से रैगमाल से इसको घिसेंगे, तब जाके यहाँ पर फिनिशिंग आएगी। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर पुट्टी से जितने भी दरारें आ रही है कैबिनेट के अंदर, उसको हम अच्छे से फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कैबिनेट है, और चलिए इसको यहाँ पर हम पुट्टी की सहायता से इस पर यहाँ पर जितने भी दरारें हैं इनको फिल करेंगे। ये देख सकते हैं, और जो यहाँ पर मैं पुट्टी यूज़ कर रहा हूँ वो एनसी पुट्टी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पुट्टी करने के लिए ये देख सकते हैं, ये एनसी पुट्टी यूज़ में ले रहा हूँ मैं। ये पुट्टी है, ये लकड़ी की कैबिनेट पर इससे पुट्टी की जाती है। तो इसको सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से ये ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये पुट्टी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एनसी पुट्टी होती है फ्रेंड्स ये, और ये दो कलर में आती है, एक वाइट कलर में भी आती है और ग्रे में भी आती है। तो फ्रेंड्स, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और चलिए इसको अच्छे से फिल कर लेते हैं, और इसको फ्रेंड्स जल्दी जल्दी फिल करनी पड़ती है, क्योंकि ये जल्दी सूखती है। Thank you.
फ्रेंड्स कैबिनेट अब सूख चुका है, जो भी इस पर हमने पुट्टी मारी थी वो एकदम सूख चुकी है। और देख सकते हैं आप इस तरीके से थोड़े बहुत ही जो ये निशान आ रहे हैं इस पर हमें रेगमाल मारना पड़ेगा, उसके बाद ये हट जाएंगे। ये मेरे से ही हो गया था, बाकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं यहाँ पर और इस जगह देख सकते हैं पीछे भी अच्छे से जो भी हमारे गैप थे वो फिल कर दिए हैं मैंने। और चलिए इसके ऊपर अब हमें करना है क्या, प्राइमर अप्लाई करना है। प्राइमर मैं दिखा देता हूँ, एनसी प्राइमर है वो इस पर अप्लाई करना है। तो चलिए पहले इस पर सिंगल कोट मारेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या फिनिशिंग है। अगर फिनिशिंग अच्छी रही तो सिंगल कोट ही चलेगा, एंड अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं आई तो डबल कोट मारना पड़ेगा। तो चलिए इस पर पहले सिंगल कोट अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एनसी प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, चलिए फ्रेंड्स इसको अप्लाई करते हैं अब। फ्रेंड्स देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट कोट है वो कंप्लीट हो चुका है, और देख सकते हैं फिनिशिंग आप। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह चुकी है, जिसके लिए यहाँ पर सेकंड कोट अप्लाई करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम सेकंड कोट भी करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सेकंड कोट भी अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिनिशिंग देखते हैं कैबिनेट की क्या फिनिशिंग है लास्ट की। फ्रेंड्स देख सकते हैं अब ये सेकंड कोट करने के बाद क्या फिनिशिंग आई है, एकदम जो लास्ट फिनिशिंग है देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है। और अब यहाँ पर हम कलर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ब्लैक ग्लॉसी कलर अप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई भी कलर अप्लाई करना है तो आप वो कर सकते हैं।
तो देख सकते हैं ये ब्लैक कलर है, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं अब जल्दी से। इसके भी दो कोट मारने वाले हैं क्योंकि पहले कोट में जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आ पाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम सेकंड कोट अप्लाई कर रहे हैं एंड सेकंड कोट अप्लाई करने के बाद इसमें जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाएगी। देख सकते हैं फर्स्ट कोट पे कोई अच्छी फिनिशिंग नहीं आई है, सेकंड कोट के बाद अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अपना कैबिनेट का जो कलर है वो कंप्लीट हो चुका है, और फिनिशिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं आप, क्या बढ़िया फिनिशिंग आई है ब्रश से भी। तो आप ब्रश से भी डेको पेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं इस कैबिनेट में बस मेरे से यहाँ पर गलती हो गई फ्रेंड्स, ये जो देख सकते हैं आप, ये जो भद्दा सा लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर रबिंग नहीं हो पाई थी अच्छे से, और यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ मेरे से गलती हो गई है। तो इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ पर हमारी पीवीसी जो हमारी विनाइल पेपर आता है वो यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ, उससे उससे अच्छी लगेगी अपनी कैबिनेट। तो पीवीसी जो शीट होती है उसको चढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का कैबिनेट का लुक हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस यही कमी है, बाकी हमारा जो देख सकते हैं बाकी सारी तरफ से एकदम ओके पेंट हुआ है, कोई भी गलती नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और